सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगीज एलिब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, और इसके लिए बेसिक कंसेप्ट है आपका अर्थमेटिक मीन का, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन एक्स एंड टू वाई एंड बिटवीन टू एक्स एंड वाई, दो केसेस हैं। इफ आर्थ मीन्स ऑफ ईच केस बी इक्वल देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो समझिएगा, ये कह रहे दो नंबर्स हैं, उनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, हमको मेन निकालना पड़ेगा कि आखिर उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ए और बी के बीच में अगर एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इतने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए जाएं, तो इसका भाई अगर हम हर केस में इसको पूरा डिराइव करेंगे तो दिक्कत आएगी ना। तो इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डी बराबर बी माइनस ए अपान एन प्लस वन, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है आपके इसी उसमें प्लेलिस्ट में, ये कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ डी इतना होता है। अब कहते हैं इनका जो अर्थमेटिक मीन यानी एक्स आर, तो एक्स आर की वैल्यू क्या निकलेगी। देखो ये अर्थमेटिक मीन्स है, पहला अर्थमेटिक मीन इसका सेकेंड टर्म है, दूसरा अर्थमेटिक मीन इसका थर्ड टर्म है, तो अर्थमेटिक मीन एक्चुअली इसका टी आर प्लस वन टर्म है। सही कहा मैंने, तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस आर इंटू डी। तो ए की वैल्यू ए और आर और डी की वैल्यू है बी माइनस ए अपान एन प्लस वन, ये एक रिलेशन मैंने निकाल के रखा, इसको चाहो थोड़ा कैलकुलेट कर लो। तो जब एलसीएम लेंगे तो आएगा ए एन प्लस ए प्लस आर बी माइनस ए आर अपान एन प्लस वन, जानबूझ के मैं एक रिलेशन निकाल रहा हूँ, बाद में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ए और बी की वैल्यू रख करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो रिलेशन हमारा आया हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ए कॉमन ले लिया तो आएगा एन प्लस वन माइनस आर प्लस बी आर अपान एन प्लस वन, ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है किसी भी जनरल केस, जबकि आपके फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस सॉरी लास्ट टर्म बी है। तो ये कहीं लिख लेते हैं हम, एक्स आर की वैल्यू यहाँ पर है ए एन प्लस वन माइनस आर प्लस बी आर अपान एन प्लस वन, ठीक है। अब देखिए पहले केस में दो यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में बात की गई है, पहले केस में जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स है और सेकेंड टर्म है टू वाई लास्ट टर्म है, यानी फर्स्ट केस जो यहाँ दिखा हुआ है ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू है टू वाई फर्स्ट केस में, तो आर्थ टर्म क्या निकलने वाला है, ए का मान यहां एक्स रख दो और बी का मान टू वाई रख दो, तो यहां आएगा एक्स एन प्लस वन माइनस आर प्लस टू वाई आर अपान एन प्लस वन, ये फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या करें कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी है टू एक्स और बी की वैल्यू है वाई, तो यहां आर्थ मीन क्या निकलने वाला है, ए को आप लिखेंगे 2x एन प्लस वन माइनस आर प्लस बी की वैल्यू कितनी है y इंटू आर अपान एन प्लस वन। समझ में बात आ गई, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ही आर्थ मीन बराबर हैं, दोनों को इक्वल कर दो, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है x एन प्लस वन माइनस आर प्लस टू वाई आर अपान एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स एन प्लस वन माइनस आर प्लस वाई आर अपान एन प्लस वन। बस आपका आंसर आ गया, आपको एक्स अपान वाई निकालना है, अब एक्स वाले टर्म एक तरफ कर दो, वाई वाले टर्म एक तरफ कर दो और एक्स अपान वाई निकाल दो, काम खत्म। ये अपने आप दिख रहा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स एन प्लस वन माइनस आर प्लस टू वाई आर इज इक्वल टू टू एक्स एन प्लस वन माइनस आर प्लस वाई आर। अब आप जितने भी एक्स के टर्म हैं उनको एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए,
और वाई के एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। देखो ध्यान से, ये एक्स का टर्म है एन प्लस वन माइनस आर, ये एक्स का टर्म माइनस में आ गया एन प्लस वन माइनस आर, इधर क्या है वाई आर है, ये माइनस का टू वाई आर आ गया। बात समझ में आ गई। यहां से एक्स कामन ले लो, ठीक, कामन तो आप एन माइनस, अच्छा देखो एक सेकेंड, आप यहां देखो एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन माइनस आर लिखा हुआ है, जब आप कामन ले लोगे अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस टू एक्स, यानी माइनस का एक्स बचेगा, यहां पर माइनस का वाई आर बचेगा, दोनों तो माइनस हटा दो तो वाई को उधर ले आओ, तो एक्स अपान वाई इज इक्वल टू क्या आएगा आर अपान एन माइनस वन प्लस आर, यही आपसे कह रहा था, आंसर सही है, वेरी गुड। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म हुई, नेक्स्ट किसी और वीडियोज में, नमस्कार।